गायनेकोमास्टिया बेसिकली एक तरह से आदमियों के अंदर, जैसे मेल हैं या यंग एडल्ट आदमी हैं, उनके अंदर एक तरफ की छाती या कई बार दोनों तरफ की छाती सडनली बड़ी हो जाती है और वो फीमेल्स की तरह, लेडीज़ की तरह देखना शुरू हो जाती है, जो काफ़ी बार एम्बेरसमेंट का फील होती है। आदमियों को बुरा लगता है कि ये मेरी आदमियों के शरीर के अंदर एकदम फीमेल जैसे कैसे आना शुरू हो गया, और काफ़ी बार आस पास के लोग उनको कॉन्शियस भी कर देते हैं उसके बारे में कि ये क्या है, ये क्यों है। बट क्योंकि नॉलेज ना होने के कारण काफ़ी लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और अलग अलग इसके ट्रीटमेंट्स करना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअली इंडिकेटेड नहीं होते और वो नुकसान कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें बीमारी को समझना है कि क्या ये बीमारी है, क्या हमारा, या ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अगर गायनेकोमास्टिया को हम समझते हैं तो ये फर्स्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, खास करके जब छोटे बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स उसकी मदर के थ्रू उसके अंदर आते हैं, और बिल्कुल जो जन्म छोटा बच्चा होता है उसके भी कई बार एक छाती या दोनों छाती आदमी जो मेल बच्चा होता है या फीमेल बच्चे के अंदर भी सडनली पड़ी हुई होती है। बट जैसे ही वो हार्मोन्स का इफेक्ट उसमें से जाता है, थोड़े दिनों के अंदर ही वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और वो ठीक हो जाता है जो बड़ी हुई छाती दिखती है। बट अगर ये परसिस्ट करती है और कुछ टाइम तक रहती है तो दर्द करती है, कई बार यंग एज के अंदर जैसे प्यूबर्टी होती है तो उसके अंदर जब ये हार्मोन्स का फेरफार होता है, मेल्स में भी ये देखा गया है, फीमेल्स में भी देखा गया है, फीमेल्स के अंदर सडनली ये पेन होती है, दर्द होती है, वो नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोन्स के चक्कर में होना है। पर वही हार्मोन्स मेल्स के अंदर, यंग एडल्ट्स के अंदर जब आते हैं तो उनके अंदर भी 60-70% केसेस के अंदर गायनेकोमास्टिया हो सकता है। तो जब ये गायनेकोमास्टिया होता है आमतौर पर साल दो साल के अंदर ये अपने आप से ही ख़त्म हो जाता है। अगर ये ख़त्म हो गया अपने आप तब तो हमें कुछ नहीं करना, अगर 2 इयर्स के बाद भी ये परसिस्ट कर रहा है, इन दैट सर्कमस्टांस हमें उसका इलाज करना ज़रूरी है। उसके अंदर कुछ फैट का कंपोनेंट है, कुछ जो ग्लैंडुलर टिश्यू है जो उसके अंदर हार्मोनल टिश्यू के अंदर जो ग्रोथ हो जाती है वो पार्ट है, तो दोनों को निकालने का ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई तरह की पद्धतियाँ अवेलेबल हैं, पर बेस्ट जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर सर्जरी भी है और कुछ तरह के लेज़र ट्रीटमेंट भी है जो हमें इनको ख़त्म करने के लिए हेल्प करते हैं। सर्जरी में एक तरह से बहुत छोटा सा महीन कट लगता है और उससे जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सारा निकाल दिया जाता है, और एक स्पेशल लाइपोसक्शन मशीन्स होती हैं जिसके द्वारा जो फैट का टिश्यू है हम उसको निकाल देते हैं। पर कई बार इन जिनमें सिर्फ फैट का ही टिश्यू ज़्यादा है और ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके अंदर हमारे पास स्पेशल लेजर्स हैं जिसके अंदर हमें कोई चीरफाड़ भी नहीं करने पड़ते, सिर्फ उस एरिया के फैट को हम उन मशीनों के द्वारा डिसॉल्व कर देते हैं और ओपीडी प्रोसीजर में बिना कोई निशान, बिना कोई चीरफाड़ के वो लोगों को ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के बारे में अगर इसकी बात करते हैं, 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए होता है, सुबह आए करा के शाम को भी जा सकते हैं, और कुछ बेल्ट वगैरह पहन के उसकी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ दिन रिकवरी में उसके लगते हैं। बट जो हम लेज़र से करते हैं उसके अंदर सिर्फ कोई बेड रेस्ट नहीं है, आप आओ ओपीडी में, साथ के साथ वो लेज़र का प्रोसेस किया जाता है, कुछ टाइम के बाद ही आप जो अपना ऑफिस या ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वहाँ काफ़ी बार हम बोलते हैं कि जैसे लंच के दरमियान, आपको लंच ब्रेक के दरमियान भी आपने आए कराया और छुट्टी चले गए अपने ऑफिस, ये इतना बढ़िया प्रोसीजर है। कोई चिरफाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऊपर से सिर्फ स्किन के ऊपर से एक लेज़र को उस फैट के स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर यूज़ किया जाएगा जिससे वो सेल्स ख़त्म हो जाएंगे और तुरंत वो ब्रेस्ट इमिडिएटली छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। कई कुछ लोगों के अंदर कुछ सेशंस की ज़रूरत होती है, वो सब देखने के बाद, एक बार एग्जामिन करने के बाद उसके गायनेकोमास्टिया को ग्रेड के हिसाब से कितना फैटी कंपोनेंट है, कितना उसका ग्लैंडुलर कंपोनेंट है, हम डिसाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से गाइड किया जाता है कि क्या बेस्ट रहेगा।